हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेल वॉस्ट्रो इंटेल कोर आईएफआई 11 जनरेशन लैपटॉप के बारे में। तो इस वीडियो में इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं मैं आपको। इसके कुछ मेन फीचर्स की हम बात करेंगे, इसके स्पेसिफिकेशंस और इसके कुछ मेन हाइलाइट्स की क्या इसमें देखने के लिए मिलने वाली है। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं मेरे चैनल पर आप लोग के लिए ऐसे ही लैपटॉप रिव्यू वीडियोज लेकर आते रहता हूँ, जिसमें अलग अलग लैपटॉप संबंधित अलग अलग जानकारी वाली वीडियो मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी अपलोड्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं। मेरी वीडियोज आप लोग के लिए एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव होती है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इस लैपटॉप की बात कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, जिसका नाम होने वाला है डेल वॉस्ट्रो इंटेल कोर आईएफआई 11 जनरेशन। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें इंटेल कोर आईएफआई का प्रोसेसर देखने के लिए मिल रहा है, 8GB की DDR4 रैम मिल रही है, 64 बिट की विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है, 512GB की एसएसडी इसमें देखने के लिए मिल रही है, इसमें 14 इंचेस की डिस्प्ले देखने के लिए मिल रही है। ये तो इसके कुछ मेन हाइलाइट्स थी। अंदर इसमें और डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं, है ना। प्राइस की बात करेंगे, प्राइस रेंज मैं आपको बता देता हूँ, 50,000 से 60,000 के बीच में अप्रॉक्स प्राइस आई। फिक्स प्राइस वीडियो के एंडिंग में बात करेंगे क्या होने वाली है। इस प्राइस रेंज में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलने वाला है वो आप देख सकते हैं। तो सील पैक मिलेगा, जनरल स्पेसिफिकेशन, लैपटॉप बैटरी अडाप्टर केबल एंड यूजर मैनुअल मिलेगा इसमें। मॉडल का नेम होने वाला है वॉस्ट्रो 3400, सीरीज होने वाली वॉस्ट्रो, कलर होने वाला है डोन, टाइप होने वाला थिन एंड लाइट लैपटॉप, सूटेबल किसके लिए, ये फॉर मल्टीटास्किंग प्रोसेसिंग। अगर मल्टीटास्किंग प्रोसेसिंग आप करना चाहते हैं तो आप लिए बेस्ट हो सकता है। बैटरी बैकअप की बात करते हैं, अप टू 10 आवर्स की बैटरी बैकअप मिल रहा है, बैटरी सेल 3 सेल्स मिल रहा है। प्रोसेसर एंड मेमोरी फीचर्स की बात करते हैं, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होने वाला है, जो कि DDR5 का रहेगा, 2GB ग्राफिक कार्ड रहेगा, लेकिन अगर 4-6GB रहता तो और अच्छा रहता, 2GB का ग्राफिक कार्ड है। प्रोसेसर ब्रांड इंटेल होने वाला, प्रोसेसर नेम कोर आईएफआई होने वाला, प्रोसेसर की जनरेशन 11 जनरेशन होने वाली है। SSD है, SSD की कैपेसिटी होने वाली 512GB, रैम होने वाली 8GB, रैम का टाइप होने वाला DDR4। प्रोसेसर वेरिएंट की बात करते हैं, आईएफआई का 1135G7 का इसका प्रोसेसर का वेरिएंट है, क्लॉक स्पीड 4.2GHz होने वाली है। मेमोरी स्लॉट्स की बात करते हैं, 2 स्लॉट्स मिल रहे हैं, एक्सपेंडेबल मेमोरी 16GB है और NVIDIA का GeForce MX 330 ग्राफिक कार्ड मिला है। ग्राफिक कार्ड बहुत ज्यादा नॉर्मल है इस प्राइस रेंज के हिसाब से, क्योंकि NVIDIA का GeForce MX 330 ग्राफिक कार्ड मिल रहा है 2GB का, मतलब आपका नॉर्मल काम अच्छे तरीके से करके ये देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होने वाला है OS आर्किटेक्चर 64-bit, ऑपरेटिंग सिस्टम होने वाला Windows 10, सिस्टम होने वाला 64-bit। पोर्ट एंड स्लॉट की बात करते हैं, इस लैपटॉप के साथ कौन कौन से पोर्ट देखने के लिए मिल रहा है, तो RG11 नहीं मिल रहा, माइक मिल रहा है, RG45S मिल रहा है, VGA पोर्ट नहीं मिल रहा है, USB पोर्ट मिल रहा है 3.2 वर्जन के, HDMI पोर्ट मिल रहा है एक, USB पोर्ट 3 मिल रहा है, मल्टी कार्ड स्लॉट मिल रहा है 1 मिल रहा है, SD मीडिया कार्ड रीडर मिल रहा है, SD SSD कार्ड लगा सकते हैं, SD XX कार्ड्स में लगा सकते हैं। हार्डवेयर इंटरफेस M.2 का सर्टा स्लॉट्स में देखने के लिए मिल रहा है। डिस्प्ले एंड ऑडियो फीचर्स की अगर बात करते हैं हम इसके लैपटॉप की, तो टच स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन का साइज 14 इंचेस है, स्क्रीन का टाइप फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, स्पीकर बुल्ट इन स्पीकर इसके साथ ही अंदर मिलने वाले, माइक बुल्ट इन माइक्रोफोन भी मिलने वाला है, साउंड प्रॉपर्टीज वेव्स मैक्स ऑडियो प्रो का साउंड की प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिल रही है इस लैपटॉप की। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी फ्यूचर, तो वाईफाई लेन के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ 4.1 देखने के लिए मिल रही है। डायमेंशन बात करते हैं 1.58 kg, मतलब लाइट वेट तो है, जो इससे बताया गया था 1.58 kg इसका वजन देखने के लिए मिल रहा है। एडिशनल कुछ फीचर्स की अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, तो फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह नहीं मिल रहा है, लॉक पॉड किंगस्टन लॉक पॉड मिल रहा है, एंटीवायरस MGA फ्री मिल रहा है, इसके बाद देखते हैं पॉइंटर डिवाइस टच पैड मिल रहा है, बैकलिट कीबोर्ड यस मिल रहा है, और वही वारंटी 1 ईयर वगैरह की वारंटीज मिल रही है इस लैपटॉप के साथ, और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की रहती है, एडिशनल डैमेज की नहीं रहती है, या फिजिकल कोई डैमेज हो जाता है उसकी इसमें नहीं रहती है। तो ये थी कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन और फीचर्स, और प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे थोड़ा सा लैपटॉप अभी के हिसाब से इस जनरेशन के हिसाब से थोड़ा सा ओल्ड लगा, लेकिन देखिए अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग जरूरत होती है, अगर आपकी जरूरत इसके हिसाब से है तो आप जरूर परचेज कर सकते हैं, और जिस जरूरत के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेस्ट लैपटॉप है आप देख सकते हैं। अगर इसके बारे में आप और भी जानकारी चाहते हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन और पता करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, है ना। अगर आप इसका मूड है आप परचेज वगैरह करना चाहते हैं, और इससे बेस्ट बेस्ट लैपटॉप भी मेरे चैनल पर वीडियोस अलग अलग लैपटॉप्स की अपडेट अपलोड्स हैं वो आप देख सकते हैं। देखिए लैपटॉप
हर लैपटॉप बेस्ट नहीं होता, हर लैपटॉप बेकार नहीं होता, अलग अलग जरूरत के हिसाब से सूटेबल फोर के लिए, देखिए हर व्यक्ति के लिए। देखिए वैसे कि अगर मुझे जरूरत है गेमिंग लैपटॉप की और आपको जरूरत है मल्टीटास्किंग लैपटॉप की, तो ये दोनों के लिए बेस्ट नहीं हो सकता, या आपके लिए अच्छा होगा या फिर मेरे लिए अच्छा होगा, है ना, या फिर आपके लिए बेकार होगा मेरे लिए अच्छा होगा, ऐसा हो सकता है। तो जरूरी नहीं होता किस चीज को किस व्यक्ति को किस प्रकार की जरूरत है, उसके हिसाब से बेस्ट ये हो सकता है या फिर उसके लिए बिल्कुल भी बेस्ट नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में जानकारी दे सकता हूँ आपको, या फिर कोई नई वीडियोस भी अपलोड कर सकता हूँ आपको और उसमें फुल स्पेसिफिकेशंस के साथ। तो ऐसे जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, मैं आप लोग के लिए ऐसे ही रिव्यू वीडियोज लेकर आता रहता हूँ, अलग अलग लैपटॉप संबंधित मैं आपको जानकारी देता हूँ, है ना, उनकी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स की बात करते हैं, उसका रिव्यू देता हूँ, उसकी प्राइस की बात करते हैं। इसकी प्राइस मैं बताऊँ आपको, इसकी प्राइस होने वाली है 56,000 से 57,000 के बीच में आपको उसकी प्राइस होने वाली। ऑनलाइन ऑफलाइन आप पता कर सकते हैं, कुछ वेरियंट्स देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम से बहुत ज्यादा रेट्स अप डाउन मैंने देखा, बहुत ज्यादा अप डाउन, कभी 80 दिख रहा है, कभी 50 दिख रहा है, कभी 60 दिख रहा है, बहुत ज्यादा अप डाउन होते रहता है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान दीजिएगा, जहां पे आपको बेस्ट रेट मिले आप, या ऑफर्स का वेट कर सकते हैं, कभी कभी अच्छा कुछ त्योहार वगैरह आते हैं तो अच्छा ऑफर्स देखने के लिए मिलते हैं, उसका वेट कर सकते हैं। तो ऐसे जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए चैनल पर हैं, और मिलते रहेंगे हम आपसे ऐसी वीडियोस के साथ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आप खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।